वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं इज्जत नगर की वर्कशॉप, मैकेनिकल वर्कशॉप। एंड अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे, तो गाइस आपको दिखाएंगे। गाइस हम बाहर निकल के आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा इतना मज़ा आया है अंदर, और पूरा डिस्कस करा था हमने ट्रेनिंग के बारे में। एंड अभी आपको आगे हम दिखाने वाले हैं मोर और डायनासोर है। हाँ, डायनासोर भी बना हुआ है। एंड इंजन दिखाएंगे आपको, कौन सा कोयले वाला इंजन, जो कोयले वाला इंजन होता है वो दिखाएंगे। तो इधर इधर क्या हो रहा है ये? तो इधर ये वर्कशॉप में काम चल रहा है, वेल्डिंग कटिंग। हाँ, कटिंग और वेल्डिंग दोनों चल रही हैं यहाँ पे। कटिंग भी चल रही है और वेल्डिंग भी हो रही है यहाँ पे। गैस वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे। तो हम आ चुके हैं मैकेनिकल वर्कशॉप में। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिब्बे वे बन रहे हैं। एंड यहाँ मशीनें रखी हुई हैं, इंजन विंजन है रखे हुए बहुत सारे। ये लेथ मशीन है इधर। एंड इधर आप देख सकते हैं ऊपर सब जगह। इसके अंडे हैं ये, जैसे गाइस आप देख सकते हैं अंडे हैं ये इसके। मछली ये, गाइस कमेंट करना कि कौन सी मछली है ये, कमेंट में बताना कि कौन। तो हेलो गाइस, आज हम घूमने आए हैं वर्कशॉप में जो इज्जत नगर में है बनी हुई। एंड हम कोयले वाला इंजन दिखाएंगे आपको। तो अभी हम दिखाने वाले हैं आपको कैसा होता है। पहले जमाने में, जो अंग्रेजों के जमाने में कोयले से जो ट्रेन चलती थी, उसका क्या प्रोसेस था, कैसे कोयला जलता था, किस इसमें भाप स्टीम बन के और ये इंजन को चलाता था, उसके बारे में। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं कोयले वाले इंजन के पास में। एंड आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो जैसा गाइस आप पीछे देख सकते हैं, कोयले वाला इंजन है, तो उसके पास अभी हम जा रहे हैं। पीछे ये सामने दिख रहा है, इसमें अभी सफाई चल रही है। सफाई चल रही है। ये कोयले का इंजन कैसा है आपको देख के पता लगे, अंदाज़ा लगेगा। आप बताना कितना पुराना होगा लगभग। दिस इज कोयले वाला इंजन। तो ये कोयले वाला इंजन है गाइस, जैसे गाइस आप देख सकते हैं। अभी हम इसके ये ऊपर चढ़ने का सिस्टम है इसमें, तो इसमें हम चढ़ चुके हैं। चढ़ने के बाद गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे इसके अंदर कोयले को डाला जाता था, और उसके बाद कोयला बर्न होके फिर स्टीम बनाता था। स्टीम बनाने के बाद जो है गाइस ये इसको भाप द्वारा चलाया जाता था। और ये कोयले रखने की जगह है, ये कोयला स्टोर करने की जगह है गाइस। जैसे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोयले को ये स्टोर करते थे। हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं पूरा, ये पूरा आप देख सकते हैं कोयले को स्टोर करने की जगह है। यहाँ पर कोयला जो है स्टोर, ये पूरा कोयले को स्टोर करने की जगह है। एंड ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है गाइस, कोयले वाला इंजन। तो अभी हम इसके अंदर हैं जहाँ कोयला स्टोर किया जाता है। तो मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। एंड इधर कोयला जिसमें बर्न होता है, ये भट्टी इसे बोलते हैं, ये भट्टी टाइप की बनी हुई है, इसमें कोयला डाला जाता था। और ये गियर है, और ये गियर है यहाँ पे, इनसे गियर चलाया जाता था कि आगे रखे। लेकिन अभी तो ये जाम हो गया है, हमें ये जाम हो गया है। ये इसका हैंडल है, स्टीयरिंग है इसका, स्टीयरिंग है। इसको चलाने के लिए किस साइड के लिए आपको मोड़ना, हाँ साइड वो करने के लिए है ये।
और जैसे गाइस आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, मैं ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं, आप कमेंट करके बताओ, ये हमें नहीं पता क्या है ये। तो दिस इज़ क्रेन, पहले ये वाली क्रेन चलती थी ऐसी इस टाइप की। तो कैसे गाइस आप देख सकते हैं पूरी क्रेन को, ये यहाँ पे इसके आगे वाला जो पोर्शन है, यहाँ से किसी भी पार्ट को उठाने का काम करती है ये। एंड इधर ये बॉयलर रखा हुआ है सामने, ये बोगी है, पहले जो बोगी चलती थी इस टाइप की। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं शताब्दी हेरिटेज पार्क, ये है शताब्दी हेरिटेज पार्क, जिसमें आपको हमने दिखाया था कि कोयले वाला इंजन और जो सबसे 100 साल से पुराने जो भी क्रेन इंजन जो भी हैं उनके बारे में आपको दिखाया था वीडियो में। तो ये दिस इज क्रेन, ये इतना बड़ा पूरा क्रेन है, 2011 में बनाई हुई है, ये बहुत ज़्यादा एरिया में है। एंड जैसे गाइस आप देख सकते हैं ये वहाँ तक जो है पूरा एरिया कवर करती है। तो ये पूरा इधर का एरिया है, आप इधर चलते हैं देखिए वहाँ। तो इसके अंदर का हम आपको सीन दिखाएंगे पूरा, आप जैसा ही देख सकते हैं अंदर इसका पूरा ये चलाने का सिस्टम है, ये इसमें गियर है एंड ये इसमें तो दिस इज मोटर, ये मोटर लगी हुई है इसमें बहुत ज़्यादा हाई पावर की। एंड इधर गियर और ज़्यादा और गियर है इसमें, इस पर गियर जैसे बोलते हैं। और गाइस ये देखना आप कितनी बड़ी मोटर लगी हुई है इसमें, गाइस ये बहुत ज़्यादा पावर की होगी क्योंकि ये पूरे इसको कंट्रोल करती है और इसका ये बॉक्स। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप जो है शाम के टाइम आराम से यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं फुल। एंड यहाँ सामने आप देख सकते हैं गाइस रेलवे का पूरा लोगो लगा हुआ है और ये पार्क बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील आ रहा है इसमें। इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर काम चल रहा है वगैरह चल रही है, नए पौधे लग रहे हैं यहाँ पे, इधर को पानी लग रहा है और इधर ये पौधे लग रहे हैं नए। एंड बहुत अच्छा पार्क बनाया जा रहा है, आप कभी भी आना यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे बैठते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपका। यहाँ पे हम पानी पिएंगे, तो यहाँ पानी चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे महेश भाई हमारे, तो ये महेश भाई जो है पानी पीते हुए यहाँ पे। रोबोट्स, दिस इज रोबोट्स। एंड इधर पूरा एक टाइप का, तो ये पूरा जंगल है वर्कशॉप का, बहुत ही बड़ा है ये, और ये ओल्ड मशीनें रखी हुई हैं, इसमें कोयले को स्टोर किया जाता है ना, इसमें कोयले को ले जाया जाता है, पत्थर सॉरी, इसमें पत्थर स्टोर करे जाते थे और फिर उनको गिराया जाता था, और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड लगी हुई है यहाँ। रेल के कुछ पार्ट पड़े हुए हैं यहाँ पे,
आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं यहाँ पर, ये पूरा बस स्टॉप है। हैं क्रेन हमने दिखाई थी पहले आपके, तो ये क्रेन चल रही है यहाँ पे, स्टार्ट है बिल्कुल चलती हुई, तो ये रुक चुकी है ना मोर, तो ये मोर बने हुए हैं गाइस यहाँ पे। एंड ये जो दिख रहा है आपको पोस्टर, ये बना हुआ है इसमें ऐसे वर्क।